हे मेरे छोटे और राम राम, कैसे हो आप सभी। आज की जो रेसिपी है ना, वो मिठाई की है, मतलब कि स्वीट की रेसिपी है, और वो है बालूशाही। आपने बहुत बार खाई होगी, शायद से बनाई भी होगी आप लोगों ने। ये ना एकदम सिंपल रेसिपी है, एकदम सिंपल रेसिपी है। जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले में बहुत सारे तामझाम होते हैं ना, पर इसमें इतना तामझाम होता नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस। तो चलिए बनाते हैं ये क्रिस्पी खस्ता, अंदर से एकदम मुंह में घुल जाने वाली बालूशाही। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप लोगों को बताऊंगा। तो एक बाउल आ गया है, इधर मैंने थोड़े आप लोगों को दिखाने के लिए काजू बादाम छिड़क दिए हैं, और ये आ गया है मैदा, जो कि है ग्राम में लगभग 500 ग्राम, और 2 कप मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। ये देखिए, इसी कटोरी से मेजरमेंट ली है मैंने, और इसी कटोरी से हम लेंगे ये घी। तो 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें घी डाले हैं, और 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाले हैं ऑयल। नॉर्मल ऑयल है जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल मत डालिएगा। तो इसे मिला लेना है, ये लगभग आधा कप हो चुका है, मतलब घी और ऑयल मिला के। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, सोडा बिल्कुल भी नहीं, पाउडर ही डालना है, जो हम केक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना वही। तो अब ये हम इसमें धीरे धीरे करके ये हमारा घी और ऑयल डालेंगे, जो दोनों मिक्स है, और इसमें आपको सिंपली मोहन लगाना है अच्छे से। जितना आप इसे मसल मसल के मोहन लगाइएगा, उतना ही आपका बालूशाही शाही बनेगा। तो ये देखिए इसमें कितना बढ़िया मोहन लग चुका है, और ये पूरा 100 ग्राम मैंने आधा कप जो था घी और ऑयल इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि पानी का अंदाज नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये मोहन हम लोगों ने पहले ही लगा लिया है। मोहन बड़ा क्या बोले मोहन को। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको आटा गूंदना है, और आटा गूंदना भी नहीं है, बस इसे आपको इकट्ठा करना है। ऐसे गूंदिएगा नहीं, देखिए ऐसे नहीं गूंदना, बस ये जुड़ जाए, एकदम कलियाँ जुड़ जाए, इसमें ऐसी दरारें रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसे आपको ढक के 10 मिनट के लिए इसे भी रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी का भी मेजरमेंट एकदम परफेक्ट बताऊंगा आप लोग को। तो 1.5 कटोरी आपको लेनी है चीनी, कोई भी कटोरी से आपको 1.5 कटोरी चीनी लीजिएगा, 300 ग्राम चीनी है ये, और उसी कटोरी से आधी कटोरी पानी, 1.5 कटोरी चीनी और उसी कटोरी से आधी कटोरी पानी, 4 से 5 हरी इलायची कुटी हुई डाल देंगे, और इसे आपको घुलने तक, मतलब कि बॉईल आने तक पकाना है। थोड़ा अच्छा खासा बॉईल आना चाहिए। अब फिर भी आपको शक लग रहा है कि मतलब ना ये चाशनी ठीक ना है, ना ना बिल्कुल भी ठीक नहीं, तो बस ये जो स्पून है इसमें थोड़ा सा चाशनी लगा लीजिएगा आप, और थोड़ी देर मतलब 10 सेकेंड तक छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आपको चेक करना है। देखिए इधर आजा भाई, हाँ ये देखिए आ रही है ना, एक तार वाली चाशनी, ठीक है। तो चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, इसमें थोड़ा जो रेड फूड कलर है वो डाल देंगे, हलवाई वगैरह ना बहुत डालते हैं इससे, मतलब आँखों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो चाशनी बन के तैयार है, और अब हम आ जाते हैं हमारे आटे के ऊपर जो हमने गूंदा था, और ये देखिए इसमें ऐसी दरारें होनी चाहिए जैसा कि मैंने आपको बोला है, आटा नहीं गूंदना जैसा कि मैंने पहले भी बोला है। अब इसमें से आपको छोटी छोटी लोई लेनी है, और हाथों से थोड़ा थोड़ा इसे आपको प्रेस कर देना है, और इसे आपको एक गोल सी शेप दे देनी है, ठीक है। और फिर बीच में इसके उंगली घुसेड़ देनी है, देखिए ये देखिए ऐसे उंगली घुसेड़ देनी है दोनों तरफ से, एकदम ऐसे थोड़ा फैला देना है। इससे क्या होगा ना, इसमें तेल जो हम फ्राई करेंगे ना, तो तेल अंदर बाहर होगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ये देखिए ऑयल आपको कितना गर्म करना है, मेरा हाथ इसमें जो उंगलियाँ हैं टच हो रही हैं, इतना ही गर्म करना है, उससे ज़्यादा गर्म नहीं करना है। फिर एक एक करके हमारी जो बालूशाही है वो हम इसमें डाल देंगे, और इसे इत्मीनान से पकाना है। अगर घाई कर दी, जल्दबाजी कर दी, फुर्ती आ गई शरीर में, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इत्मीनान से पकाइएगा, ये अपने आप ऑयल के ऊपर आएगा। फिर आपको देखिए एक एक करके ऐसे पलट देना है, एकदम जैसे बच्चों को कैसे छूते हैं वैसे ही इसको आपको ट्रीट करना है, मतलब कि देखना है, ठीक है। अब पलट पलट के देखिए एकदम अच्छा सा, एकदम गोल्डन थोड़ा थोड़ा कलर आ चुका है ना, ऐसे तक मतलब खस्ता लगेगा आपको, देखने में लगा कि ये खस्ता हो चुकी है। और फिर हम डायरेक्ट इसमें से निकालेंगे और हमारी चाशनी में डाल देंगे। वाह जी वाह, ओए होए। तो ये मैंने डाल दी है, 1 से 1.5 मिनट हम इसमें छोड़ देंगे एक तरफ, और फिर पलट देंगे इन सबको, फिर से हम आप 1 से 2 मिनट तक इसमें आपको बालूशाही को छोड़ देना है, ठीक है। देखिए सब पलट दे रहा हूँ मैं, तो 3 मिनट टोटल हो गए इसकी, मतलब टाइमिंग दोनों तरफ से 1.5 मिनट, ठीक है। फिर हम इसे निकाल के साइड में रख लेंगे, और हमारी जो बालूशाही है वो बन के तैयार है। थोड़ी सी कर ली है मैंने चोचलेबाजी, इसके ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा पिस्ता बादाम, ये सब कोई डालने की जरूरत नहीं है, असली फ्लेवर ना ये बालूशाही में है। और ये देखिए देखने में ही लग रहा है कि मतलब ओए होए
और मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ, ऊपर से खस्ता और अंदर से दिखेगा इसमें रस भरा हुआ होगा। दिखाता हूँ मैं आपको, टेंशन है, और ये देखिए अंदर भरा हुआ है ना रस, देखिए कोई चीटिंग नहीं है, देख लीजिए आप। तो आज के लिए बस इतना, मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो एक नए रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।